दे हो गया काम। But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Two hours later. अभी हम जा रहे हैं बुद्धा, न्यू बुद्धा कहते हैं, सॉरी लिटिल बुद्धा कहते हैं। तो हमने उसको पहले ही इंटरनेट पे सर्च किया था और हमने देखा तो यहाँ से वो इट इज 1.9 किलोमीटर फ्रॉम हियर। लेट्स सी किस तरह का है, क्या मेन से वहाँ का आपको आगे फर्दर हम दिखाएंगे। हम लोग अभी इधर लक्ष्मण झूला क्रॉस करके दूसरी साइड आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं अपना न्यू बुद्धा कैफे। न्यू बुद्धा कैफे क्या नाम है उसका? नाम है लिटिल बुद्धा कैफे। सॉरी, हम यहाँ पे अभी लिटिल बुद्धा कैफे खोज रहे हैं जो अंदर है कहीं। और ये रहा, ये हम पहुँच गए हैं लिटिल बुद्धा कैफे। इसका एंट्रेंस बहुत ही छोटा है। लिटिल बुद्धा कैफे के बारे में हमने पहले ही देख रखा था
तो हमने पहले ही प्लान बनाया था कि यहाँ पे आना ही है, और जैसा हमने देखा था उससे कहीं ब्यूटीफुल है यहाँ का व्यू। और यहाँ पे आप देख सकते हो सामने गंगा नदी दिख रही है आपको इस साइड, और तो सामने ये लक्ष्मण झूला है, और दूसरी तरफ ये प्रॉपर ऋषिकेश शहर दिख रहा है। यहाँ से जो व्यू है बहुत ही ब्यूटीफुल है, और जैसा हमने सुना था उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए हम अभी घूम रहे हैं लक्ष्मण झूला के पास, और हमने डिनर कैफ़े में ही कर लिया था, तो थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेते हैं, फिर यहाँ से जाएंगे होटल, फिर आगे आपको कल दिखाते हैं हमने कल क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए और क्या क्या हुआ हमारे साथ। ये हम हर की पौड़ी पहुंचने वाले हैं, और ये उत्तराखंड का आखिरी पहाड़ है जहां तक आप बोल सकते हो। तो अभी हम हर की पौड़ी पे जाएंगे, वहां पे लोग नंगे नंगे नहा रहे होंगे, उनको देखेंगे थोड़े घर के लिए, गंगा जल ले भी जाएंगे। आपको आगे दिखाते हैं वहां पे लोग कैसे भक्ति मोर से कैसे पूजा करते हैं। पौड़ी से अभी गंगा जल भर लिया यहाँ पे, और एक फिर बीच में ना टलते टलते एक पार्क है इसमें, जो आप मान के चलो ये हरिद्वार का लोधी गार्डन है हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे कपल हैं, कपलिंग वाला बर्ड्स वाले पार्क है, इनको दिखाओ थोड़ा सा, इनको शूट करके दिखाओ, ये लव बर्ड के बैठे हैं। जो है ये हरिद्वार का आप बोल सकते हो लोधी गार्डन है, अभी बहुत अच्छा है बाहर, अभी गोलगप्पे हम खाने वाले हैं, तो गोलगप्पे की फोटो दिखाते हैं आपको, और आगे देखते हैं क्या होता है। अभी ये जो वीआईपी कल्चर वाला स्थिति है ना इंडिया में, वो बहुत ही डेंजर है। अभी हमारे को 15 मिनट से रोक रखा है इन्होंने पूरी, और मुझे साफ देख लो सारी वीआईपी कल्चर की गाड़ियाँ क्रॉस कर रही है, 15 गाड़ियाँ क्रॉस कर रही है, आई डोंट नो कौन है क्या है। एक वीआईपी चक्कर में आम जनता परेशान हो रही है, जिनके अब कितनी सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी खड़ी है इधर, कैमरे की माँ बहने मत करो तुम बीच बीच में। अभी क्या है, हम 15 मिनट से यहाँ खड़े हैं, और ऐसे ही कुछ ना ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बाद में पता चला कोई वीआईपी मूवमेंट है, इस चक्कर में प्रॉपर ट्रैफिक जाम हो रखा है, प्रॉपर ट्रैफिक खड़ा कर रखा है। ये जो देश का वीआईपी कल्चर है पता नहीं कब क्या सुधरेगा, कब कैसे लोग होंगे, एक छोटे से नेता और इनके चक्करों में हम लोग 15 मिनट से बिना मतलब की गाड़ी खड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमने देखा कि 15-20 गाड़ियां लाल बत्ती वाली और नॉर्मल क्रॉस की यहां से। Thank you.